सही से दिख नहीं रहा प्रॉपर, एक तो पूरा तरीके से डिस्प्ले ये दोस्तों सही हो गया है, ठीक है। अगर तब भी सही ना हुए ना, देखिए यहाँ पे ये जैक है इसका, प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो ये कि वर्लपूल कंपनी का इन्वर्टर एसी है और इसमें ना डिस्प्ले बिलिंग करता है, और एसी को ऑन करने के बाद ये एसी ऑटोमेटिक चलने लगता है, आउटडोर चलने लगता है, और क्या बोलता है इसका फ्लैप खुलता ही नहीं, फ्लैप रनिंग में रहता है पर बंद हो जाता है, ठीक है। चलने के बाद भी फ्लैप नहीं खुलता है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। ये इन्वर्टर एसी है वर्लपूल कंपनी का 1.5 टन का, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं रिमोट से ऑन किया हूँ, ये आर ई आ गया फिर से, ठीक है। अभी देखिएगा ये फिर 8.8 आ गया, 8.8 आ गया, और देखिए ये ऑटोमेटिक आ, देखिए यहाँ पे फ्लैप को मैं खोलूँगा तो ये वापस जाके बंद हो जाता है, मतलब खुला ही नहीं रहता। रिमोट से रोकता हूँ तब भी रिमोट से भी नहीं रुकता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है दोस्तों, इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है। आप लोगों को पता ही होगा कि इन्वर्टर एसी में जो ख़राबी आता है दोस्तों जल्दी वो सॉल्व नहीं होता है, कई बार इसको रिपेयरिंग भी करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ दोस्तों, ये रुक ही नहीं रहा, टेम्परेचर इसका दिखाई नहीं रहा है, ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ बंद हो रहा है, डिस्प्ले ब्लिंक कर रहा है। एसी का आउटडोर चल रहा है, ठीक है, और इंडोर भी चल रहा है, और डिस्प्ले ब्लिंक भी कर रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा मुझे, और क्या बोलते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई सवाल तो कमेंट मारिएगा, वहाँ पर मैं आप सभी को रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये फ्लैप ना खुला रहता ही नहीं है, ठीक है, फिर बंद हो जाता है, जैसे मैं छोड़ूंगा वैसे ही बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ फ्लैप बंद हो गया, रिमोट से रोकने की कितनी भी कोशिश करता हूँ ये बंद ही नहीं होता, और ये वर्लपूल कंपनी का इन्वर्टर एसी है 1.5 टन का है दोस्तों। तो इसको मैं अब क्या करूँगा, इसका कवर वगैरह खोलूँगा, ठीक है। कवर खोलने के बाद दोस्तों मैं आपको इसका पीसीबी में क्या क्या कुछ सही करना है वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो देखिए ये बार बार बंद हो रहा है इसका फ्लैप, तो चलो इसका ढक्कन वगैरह खोलते हैं यहाँ से। ये वर्लपूल कंपनी का एसी है, और इसका मैं एक बार आउटडोर भी आप लोगों को दिखाऊंगा, चलो आउटडोर दिखाता हूँ। आउटडोर पे देखिए दोस्तों, अभी इसका आउटडोर चल रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आउटडोर के पास आया, और आउटडोर देखिए यहाँ पे चल रहा है ना, चल रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों इस एसी में, और कितना भी इसको सही करने की कोशिश कर रहा हो नहीं रहा है। तो अब इसका मुझे दोस्तों फ्रंट कवर उतारना पड़ेगा। देखिए यहाँ फ्लैप का जो स्विंग वाला ऑप्शन है ना, उसको मैं क्लिक करके स्विंग को रोकने की कोशिश करता हूँ पर तब भी नहीं रुकता। देखिए फ्लैप लग चुका है ना, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, और क्या बोलते हैं कि इसको मैं सही करने की कोशिश करूंगा, सही नहीं होगा दोस्तों। तो दूसरा ऑप्शन क्या है मैं ये भी आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों यहां पे पूरा तरीके से डिस्प्ले सही से दिख नहीं रहा प्रॉपर, एक तो पूरा तरीके से डिस्प्ले भी नहीं दिख रहा, कुछ कुछ डिस्प्ले ही दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए कवर वगैरह सब उतार दिया हूँ, अभी देखिए यहाँ पर जैक है, ठीक है, डिस्प्ले का जैक यहाँ से निकला और यहाँ से गया, यहाँ से दोस्तों ये कवर में गया हुआ पीसीबी के अंदर ढक्कन में। तो ये ढक्कन को मैं खोल के आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ कि इसमें क्या चीज़ को हिलाना चाहिए तब जाकर के ये सही हो जाएगा। कई बार होता है जैक लूज हो जाता है, जैक लूज होने की वजह से ना ये मतलब ख़राब हो जाता है। देखिए इस ढक्कन को मैं उतारता हूँ, और ये पीसीबी का दोस्तों ढक्कन है, और इसमें डिस्प्ले ब्लिंक कर रहा है, डिस्प्ले ब्लिंक करने के कारण एसी ऑटोमेटिक चल रहा है, और स्विंग भी मतलब रुकने की कोशिश नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे स्विंग गया हुआ दोस्तों यहाँ से, तो इसका जो जैक है दोस्तों मैं इसको हिला डुला किया हूँ सही से, यहाँ पे देखिए जैक गया हुआ है, तो इसको हिला डुला किया हूँ तो ये दोस्तों सही हो गया है, ठीक है। अगर तब भी सही ना हुए ना, देखिए यहाँ पे ये जैक है इसका, प्रॉपर तरीके से देख सकते हो यहाँ पे, तो इसको मैं हिलाया हूँ, ये लूज हो गया था। अगर तब भी सही नहीं हुआ तो क्या होना होगा कि आप लोगों को ना एसी को ले जाना पड़ेगा, सॉरी एसी का जो पीसीबी होता है ना, इंडोर आउटडोर जो भी है सबको निकाल करके दोस्तों रिपेयरिंग के शॉप पे ले जाना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों ये पीसीबी आपका सही करके दे देगा शॉप वाला, ठीक है, पीसीबी रिपेयरिंग करने वाला, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था दोस्तों, अभी ये सॉल्व हो चुका है। अभी भी डिस्प्ले में आप लोग देख सकते हो, मैं दिखाने वाला हूँ आप सभी को कि ये एसी है, देखिए यहाँ पे 23 टेम्परेचर आ रहा है, बट अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। देखिए फिर से वही प्रॉब्लम होने लगा, तो वापस उसको मैं इसका जो रिसेट बटन है ना एक बारी वो भी दबा के देख लीजिएगा। रिसेट बटन जो होता है, जो डायरेक्ट अगर रिमोट नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिसेट बटन से हम एसी को ऑन करते हैं, तो उसको भी एक बार आप लोग दबा कर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इससे भी सॉल्व नहीं हो रहा, बट ये दोस्तों जैक हिलाने से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जैक का ही प्रॉब्लम था और कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों मैंने जैक को सही कर दिया, आप देखिए टेम्परेचर 17 दिखा रहा है, यानी कि बिल्कुल तरीके से ये सही हो चुका है। अगर जैक को हिलाने से सही नहीं होता तो इसको मैं पीसीबी रिपेयरिंग वाले के पास ले जाता, इंडोर का भी पीसीबी और आउटडोर का भी पीसीबी, लेकिन ये बिल्कुल सही हो चुका है। ये अब मेरा एसी अब पीसीबी सही से वर्किंग करने लगा है, जैसे कि आप लोग टेम्परेचर देख सकते हो 17 टेम्परेचर है, तो अब कोई दिक्कत नहीं इसमें दोस्तों। अब एक बारी आउटडोर भी दिखा देता हूँ और इसका एम्पियर भी दिखा देता हूँ। मौसम देखिए बाहर का कैसा है दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में ना अभी बारिश हो रहा है, तो यहाँ पे काम भी कम में आ रहा है अभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एम्पियर 2-3 ले रहा है, 4 ले रहा है, इन्वर्टर एसी ना इसीलिए थोड़ा कम एम्पियर दिखा रहा है, बस गैस वगैरह हर चीज़ कम्प्लीट होती है। एसी बिल्कुल सही हो चुका है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, टेक केयर एंड बाय।